ये तो हमारे मार्केटिंग और पीआर टीम का ही आइडिया था. आई मीन हम यूजली दिन में प्रमोट करते हैं अपने फिल्म को टीवी पे, रेडियो पे, प्रिंट में, बट ये जैसे आपने कहा एक अजूबा सा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड. और अभी तो द नाइट इज यंग, तो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड या वी आर वेरी एक्साइटेड, इज एंड मी आर बोथ वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. तो हमने ज़्यादा तो प्लान किया नहीं है, बट हम चाहते हैं कि एज यू कैन सी इट्स दे ऑल्सो आर जैम विद पुरानी जीन्स, राइट. तो हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इवनिंग विद जो इस फिल्म की सबसे अच्छी गानी है मेरे ख्याल में, यारी यारी है. जरा सी मीठी मीठी हल्की सी खारी, यारी 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 यारी. Because I'm feeling shy, it's like too many people looking at me, and like this guy, he called me and he's like, he's a confess because you have to sing. And I'm like, what? I have to sing? He's like, yes. I'm like, no, I'm not singing. So I just got here and they keep pulling my leg. But oh, I hope when we came on stage, I'm gonna be more. I'm well, my actually, I'm not wearing jeans for a change. Today is my day off. No, yeah, but no, but no. She's very committed towards promotion. See, the thing is, a lot of people have asked me ki, why is the name of the film Purani Jeans. So what we are trying to, as you all know after having seen the trailer, it's a film about friendship, about love, about passion, about relationships. So what we're trying to show is that your first pair of jeans are like your old friends. No matter how old they get, no matter how tattered they get, you will always cherish them, value them and feel comfortable in them. So hum is picture ke dauran ye batana chahte hain ki jo aapki zindagi mein 3-4-5 jitne bhi purane dost, कट्टर वाले दोस्त जो रहते हैं, ऑलवेज होल्ड ऑन टू देम, उन्हें कभी खोना नहीं. इट्स ब्रिलियंट लग रहा है कि ये पूरा हमारे पुरानी जीन्स के लिए हो रहा है, एंड इट फील्स गुड. जैक एंड जोन्स, आई ऑलवेज वेयर जैक एंड जोन्स क्लोथ, पर अभी फिलहाल नहीं पहना, पर ठीक है, इट्स ऑल गुड. या इट्स सुपर हिट सॉन्ग. राम संपत सर हैज डन अ फैबुलस जॉब. It's gonna last through ages. I think Dil Aajkal is a fabulous song. Yari Yari is a fabulous song. And Mika sir ka gaana aane wala hai abhi. It's called Out of Control Munde. I think all of us should watch it. It's brilliant. Main excited bahut zyada hu, but usse zyada main nervous hu because pehli picture hai. And it's newcomer ke liye, it's like a make or break. Kuch bhi ho sakta hai. But fingers crossed, I think we have done a good job. And chalegi picture. बहुत इन्जॉय करने आई हूँ. पिछले वाले ऑल स्टार जैम में मैंने परफॉर्म किया था, और आज मेरी बहन श्रद्धा पंडित परफॉर्म कर रही है, तो इट्स गोना बी डबल सेलिब्रेशन. इट्स कंसेक्यूटिव और बहुत मज़ा आता है. इट्स अ ग्रेट इवेंट आई थिंक, एंड कंग्रेचुलेशंस टू द टीम दैट पुट्स इट टुगेदर. डैडी बुलाते हैं ना समीर मल्होत्रा को, जो ये पूरा अरेंज करते हैं, एंड ही डज ऑल द एफर्ट फॉर द पैशन ऑफ म्यूज़िक, एंड इट्स ग्रेट फॉर म्यूजिशियंस लाइक अस, क्योंकि यूजली जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो बहुत ही वेल प्लान्ड होते हैं, बड़े थॉट ऑफ होते हैं, और ऑडियंस को खुश प्लान करके किया जाता है. यहाँ पे सब इम्प्रॉम्प्टू होता है, सब दिल से किया जाता है. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. यहाँ पे कोई भी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी उन्होंने सोचा हुआ नहीं है पहले से, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है. उसी वक्त वो लोग जैम करते हैं, उसी वक्त कोई गाना सोचते हैं और उसी वक्त गाते हैं, तो उसका मज़ा अलग है. एंड दैट्स अ ड्रीम फॉर अ म्यूजिशियन कि ऑडियंस का इंस्टेंट रिएक्शन मिले. सो दिस इज़ अ फन इवेंट. बिल्कुल, आई थिंक पुरानी जीन्स एक रेडियो शो भी है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस टाइटल, बहुत ही स्वीट टाइटल है. और पुरानी जीन्स सबको पसंद आती है पहनने में, सबसे अच्छी कूल वही लगती है. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. और इरोज की पिक्चर है, मेरे दोस्त भी दोस्त की पिक्चर है, तो आई वुड विश देम ऑल द बेस्ट. रितिमा लुल्ला एंड ऋषिका लुल्ला, आई थिंक देयर मदर इज़ प्रोड्यूसिंग द फिल्म, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट. इट्स अ वेरी क्यूट लुकिंग फिल्म.